वेलकम मित्र, स्वागत है आप लोगों का इससे मसीह मसीह क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई जो सुचारू रूप से चल रही होगी। मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है जो आपको पता चल रहा होगा। ओके प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे अपनी जो रेनो रूम टी के बारे में डिस्कशन चल रहा था, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री से कौन कौन से जो टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, वो जहाँ से एग्जामिनर जो है वो एग्जाम के अंदर सवाल पूछता है। तो ये तो जो टॉपिक हैं वो तो है ही, इसके अलावा कुछ स्टैटिक्स टॉपिक्स भी होते हैं जो आपको पढ़ने होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें फिजिक्स के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए। सबसे पहला टॉपिक है अपना यूनिट्स के बारे में। आपको यूनिट्स जो हैं उनके बारे में पढ़े, यानी मात्रक जिसे अपन बोलते हैं, मात्रक और बीमारी। ठीक है जी, हिंदी वाले जाके ध्यान देंगे, मात्रक और उसकी बीमारी ये आपको पढ़नी होगी। जितने भी ऐसा मात्रक है, सीजीएस मात्रक है, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। गति और गति के नियम, मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन जिसे अपन गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में आपको पढ़ना है, लाइट के बारे में पढ़ना है, साउंड ध्वनि के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक विद्युत के बारे में आपको पढ़ना है, प्रेशर टेंशन ताप के बारे में आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, हीट यानी उष्मा के बारे में आपको पढ़ना है, और मैग्नेटिज्म जिसे बोलते हैं चुंबकत्व यानी चुंबक के बारे में पढ़ना है, सरफेस टेंशन कैपेबिलिटी कैशिकत्व और सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ना है, स्पेस जो कि वैसे तो फिजिक्स ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन वो टॉपिक जो एज ए फिजिक्स अपन काम में लेते हैं तो वो टॉपिक भी स्पेस के अंदर काउंट किए जाते हैं, तो वो पढ़ने होंगे। सोलर सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, और मॉडर्न फिजिक्स जो है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि राडार है ना, उन सारी चीज़ों के बारे में जानने जरूरी है। अब यहाँ पर जो छोटा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर दो, मोशन लो मोशन, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना है। ठीक है साथियों, ये वाला जो टॉपिक है इसमें से न्यूमेरिकल आएंगे, वर्क नेचुरल पावर से न्यूमेरिकल बनेंगे, लाइट से साउंड से और इलेक्ट्रिक से, यहाँ से भी न्यूमेरिकल स्वयं पूछे जाएंगे। अगर आप इन चैप्टर को थोड़ा सा डीप में जाकर पढ़ोगे तो ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, फिजिक्स के अंदर दो से तीन न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकते हैं, सात क्वेश्चन में, सात क्वेश्चन में से दो से तीन न्यूमेरिकल आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, स्टार के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, मतलब कि इसके नाम से पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछे जाएंगे, परमाणु क्रमांक, परमाणु बाद, द्रव्यमान संख्या, ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। फिर है अणु और ये सब्सटेंस, यानी पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए, अणु क्या चीज़ होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अम्ल छाया और साल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती जलती है, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन इतनी सारी चीज़ें आती हैं। फिर आपको कुछ चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन, मेटल और नॉन मेटल के बारे में पता होना चाहिए, कार्बन और कार्बन की अप्रूव क्या है, कार्बन और कार्बन की अप्रूव हीरा ग्रेफाइट फुलरिंग वगैरह जो भी बातें होती हैं वो यहाँ पर आपसे पूछ जाएंगे। इम्पोर्टेंट गैसेस, जितनी भी प्रकार की गैस हैं कैसे रिलीज होती हैं, कौन सी गैस किस काम में आती है, कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपसे पूछ जाएंगे। पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर के बारे में आपको पढ़ना है, सोप डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक वाला जो टॉपिक उसके बारे में पढ़ना है, और रेलवे एक्टिविटी, इन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक है जी, आगे सारे टॉपिक आपको समझ में, यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल है इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, न्यूमेरिकल्स में से आपको द्रव्यमान संख्या कुछ नहीं है ना, इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं वो आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी, तो इनसे बेस्ट जो भी अगर आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह तो नहीं कहेंगे हम उनको, लेकिन यहाँ से मतलब एक दो न्यूमेरिकल बन सकता है जो कि आपको जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वो पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो पीरियोडिक टेबल आप जब भी पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है जी, ये सारे सारे टॉपिक हैं, आप जो है एक बार इसका स्क्रीन शॉट दे दीजिए जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे जो इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में। ठीक है जी,
अब अपन बात करते हैं कुछ स्टैटिक्स टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है 101%। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे विभिन्न उपकरण और आविष्कार, विभिन्न उपकरण और आविष्कार, जितने भी प्रकार के फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आविष्कार है उपकरण जो है वो आपको याद रखना चाहिए। इन अलग फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर अलग से बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में। पर उपकरण उपकरण होते हैं, ये काम करना सारे याद कर लेना, ठीक है। जितने भी उपकरण हैं यहाँ पर उपकरण की अलग मैं चिकित्सक उपकरण की अगर बात करूँ तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। चिकित्सा के रूप में कौन से उपकरण काम में जाते हैं और जो भी शोध संसाधन दिए जाते हैं उसमें कौन से उपकरण काम में ले जाते हैं, उनका आविष्कार किन्होंने किया था, यहाँ से पूछ लिया जाता है। ये जितने प्रकार के उपकरण हैं इनका क्या उपयोग किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। परमुख खोज और उनके आविष्कार, जैसे रेलवे सिटी की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, इस तरीके के टॉपिक आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। प्रमुख वैज्ञानिक जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर सारे आपको याद होने चाहिए। प्रमुख अनुसंधान संस्थाएँ जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे आलू शोध संस्थान कहाँ पे है, चावल का कहाँ पे है, इस तरीके से। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं जैसे एप्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, समझ गए आप, वो जितनी भी प्रकार की शाखाएं होती हैं विज्ञान से रिलेटेड, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित होता है, वो इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़नी है। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मोर का वैज्ञानिक नाम, हाथी का, बाघ का, कुत्ते का, बिल्ली का, सारे के सारे वैज्ञानिक नाम आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर उसको इस तरीके से देखो जीव धारण करते हैं, ठीक है, जीव धारण के वैज्ञानिक नाम सारे आपको वैज्ञानिक नाम यहाँ पर पता होना चाहिए। अभी मैंने फल फूल के बारे में बात नहीं की है वैज्ञानिक नाम की, जैसे आम को क्या बोलते हैं मैंने कराएंगे का, मैंने अभी चीज़ के बारे में बात नहीं की है। ये सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जितने भी फूल और फल होंगे उनके बारे में बायोलॉजी में बात करेंगे। ऊर्जा का रूपांतरण, जैसे लाइट है वो क्या करती है, जनरेटर है वो क्या करता है ना, पंखा चल रहा है पंखा क्या करता है, इस तरीके से। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम आपको याद करने हैं, जैसे किसी भी पदार्थ का रासायनिक नाम, किसी भी फंक्शन का रासायनिक नाम क्या हो सकता है जो आपको याद करने हैं, उनके फार्मूले आपको याद करने चाहिए। मिश्र धातु और उनके घटक, जैसे पीतल, पीतल जो किस चीज़ से मिलकर बना है, गन मेटल किस से मिलकर बना है, सोल्डर क्या है, इस चीज़ तरीके से। तत्व और उनके अयस्क, जैसे बॉक्साइड किसका अयस्क है, सिंपल सा सवाल है, बॉक्साइड किसका अयस्क है, इस तरीके से आपको ये जो भी टॉपिक है ये स्टैटिस के अंदर आते हैं, यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। ये मान के चलो अगर मैं साइंस की फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर बात करूँ, है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री से दो दो से तीन सवाल आपसे यहीं से पूछ लिए जाएंगे, कितने में से 40 में से, 40 में से दो से तीन सवाल आपकी यहीं से पूछने वाले हैं, ठीक है सर। तो ये सारे टॉपिक आपको याद होने चाहिए, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 टॉपिक मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बताए हैं, बाकी जो भी टॉपिक और हैं वो अपन बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी विद्यार्थी जो अभी सो के उठा है, जागा है कि उसको अभी तैयारी करनी है तो वो यहाँ तैयारी कर सकता है। और आज 24 जुलाई 2022 को रीट के जो भी विद्यार्थी उनका पेपर हो गया होगा, आंसर की जो कल या परसों में आप मैच कर लेना, जो डिपार्टमेंट देता है या कोचिंग वाले प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ से, पर आपको आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपका जो भी मेन्स एग्जाम है वो जनवरी माह में होना है, तब तक ये पेपर तो हो जाएगा कम्प्लीट, ठीक है, ग्रुप डे वाला। तो इस पर भी अगर आप थोड़ा सा फोकस हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतरीन आपके ग्रुप होगा, ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।